हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल पे। तो आज का अपना टॉपिक है कि आर यू रियली एंजॉयिंग योर लाइफ। तो मेरे को लगता है कि कुछ ही लोग अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, और वो कुछ लोग में से भी कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो सही तरीके से लाइफ को एंजॉय करते हैं। मतलब मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ। एक मिडिल क्लास फैमिली से अगर मैं बिलोंग करता हूँ और मेरे पेरेंट्स जो है बड़े स्ट्रगल करके मनी कमाते हैं, और मैं उस मनी को वेस्ट कर रहा हूँ, पार्टी कर रहा हूँ, मतलब उस मनी को बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहा, और मेरे लिए उस मनी की वैल्यू भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स कैसे कमाते हैं और मैं लाइफ को इन्जॉय कर रहा हूँ। इसको इन्जॉय करना नहीं कहते। और मैक्सिमम लोग अपनी लाइफ को इन्जॉय कर ही नहीं पाते, बिकॉज स्ट्रगल है लाइफ में इतना। कुछ ऑब्जेक्टिव है लाइफ में, कुछ एम है, उस एम को हम अचीव करना चाहते हैं, उस ऑब्जेक्टिव को हम अचीव करना चाहते हैं। हमारे प्लान है जो एग्जीक्यूट नहीं होते, हमारे जो हम जो एक विजन बना के रखे, जो गोल बना के रखे, वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। तो मैक्सिमम लोग उस फिर लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते, क्योंकि सब सबको वो सब चीज़ चाहिए जो उनके पास नहीं है। तो अगर कोई अगर ये सोचे कि उसके पास जो चीज़ नहीं है वो उसको चाहिए और वो हैप्पीनेस का रीज़न बनेगा, तो बहुत हद तक मेरे को लगता है कि सही नहीं है। कुछ हद तक सही भी हो सकता, लेकिन बहुत हद तक ही मेरे को सही नहीं लगता है। क्योंकि अगर आप प्रोसेस को एंजॉय नहीं करते हो, तो हो सकता है कि जिस दिन उसको आप अचीव कर लोगे, तो आपका गोल तब तक चेंज हो चुका रहेगा, आपका माइंड सेट अब चेंज हो चुका रहेगा, और फिर आप किसी और ऑब्जेक्टिव, किसी और गोल की साइड में जाओगे, और फिर अगेन वही पार्ट। तो फिर आप लाइफ को एंजॉय कब करोगे? ऐसा बहुत बार होता ना कि हम लाइफ में जो अचीव करते हैं वो बहुत लंबे समय के बाद अचीव कर पाते, तब तक वो एक्साइटमेंट, वो फील फैक्टर कम हो चुका होता है। तो अगर आप उस प्रोसेस को एंजॉय नहीं किए, तो फिर जब आप डेस्टिनेशन तक पहुंचे, पता चला डेस्टिनेशन तक पहुंचे और बूढ़े हो गए, इसका मतलब कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए? नो नो नो, इसका बिल्कुल मतलब नहीं। मरने से पहले तक सक्सेस की डेफिनेशन कोई डिफाइन नहीं कर सकता। तो मैं बोल रहा हूँ कि इंजॉयमेंट की बात चल रही थी कि आप अपनी लाइफ को कितना इंजॉय कर रहे हो। तो लाइफ की इंजॉयमेंट की बात अलग है, सक्सेस की बात अलग है। लोग सक्सेस को इंजॉयमेंट से रिलेट करते, मेरे को लगता है कि वो ठीक नहीं है। आप अपने प्रोसेस को अगर इंजॉय कर रहे हो, और अगर आप अपने कर्म को इंजॉय कर रहे हो, तो अगर आप उस डेस्टिनेशन तक नहीं भी पहुंचे, तो आपके पास बहुत सारा एंजॉयमेंट आपकी ज़िंदगी में मेंटेन रहेगा। और अगर वहां तक पहुंच गए, तो आप प्रोसेस को भी इंजॉय किए और डेस्टिनेशन को भी इंजॉय किए। तो मान लो कि आउट ऑफ 10 जो है वो 80% जो है वो प्रोसेस है, और 20% उस डेस्टिनेशन पे जाने की बात है। लेकिन अगर आप प्रोसेस को इंजॉय नहीं कर रहे हो और डेस्टिनेशन पे जाने के बाद आप सोच रहे हैप्पीनेस है, तो हो सकता है वो 20% या उससे भी कम। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लाइफ एंजॉयमेंट करने का मतलब है कि सुबह उठ रहे और फिर सोच रहे कि ठीक है क्या करना है करके, गेम खेल रहे बैठ के, रात को जग रहे, रात को इंस्टाग्राम चेक कर रहे, बोल रहे कि मैं आई एम सो हैप्पी, अलग अलग जगह पे घूमने जा रहे। ज़िंदगी में आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, आपका कोई गोल ही नहीं है, आप कुछ सेट ही नहीं करके रखे हुए, और आप बोल रहे सर लाइफ में इंजॉय कर रहा। देखो, आप बोले थे कि लाइफ को इंजॉय कर रहे हो कि नहीं, ज़िंदगी मिलेगी ना दोबारा। तो आपके पता होना चाहिए कि आप कौन हो, हु आर यू। उसके बाद आपके गोल डिसाइड होते हैं, फिर आपका आपकी जर्नी चालू होती है। बहुत सारी चीज़ आपकी सिचुएशन पे भी डिपेंड करती है। आपकी ज़िंदगी सिर्फ आपकी नहीं होती, आपसे जुड़े हुए लोगों की ज़िंदगी भी आप पे डिपेंडेंट होती है, आपकी ज़िंदगी उन पे डिपेंडेंट होती है। हम इग्नोर नहीं कर सकते सोसाइटी को, पेरेंट्स को, रिलेटिव्स को, पूरे तरीके से कट ऑफ नहीं किया जा सकता। तो पूरे पैरामीटर्स का अपना एक मीनिंग है, मायने रखते पूरे पैरामीटर्स। ओके, तो मेरे को लगता है कि आप प्रोसेस को भी इंजॉय करना चालू करो। लाइफ एक बार मिली है, बिल्कुल सच बात, अगले जन्म का कुछ भरोसा नहीं कि अच्छे कर्म करने के बाद अगले जन्म में क्या होता है, इसके बारे में भी कोई साइंस कुछ कहता नहीं है। तो किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है कि अगला जन्म जो होगा, नेक्स्ट जो ज़िंदगी की जर्नी होगी वो कैसे होगी, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, आई डोंट नो। तो मैं तो नहीं जानता, बात ही है इसी ज़िंदगी में। और मेरे को लगता है कि कर्म तो इसी ज़िंदगी में, रिजल्ट तो आपको इसी ज़िंदगी में मिलेगा, चाहे आप कोई भी हो, कितने भी पावरफुल हो और कितने भी वीक हो, लेकिन आपको कर्म तो यही भोग के जाना है। ये एकदम, ये मैं इस बात को बिलीव करता हूँ। अब बात ये चल रही है कि आप अपने लाइफ को किस तरीके से कैरी करते हो। तो मेरे को लगता है कि आप अपने लाइफ को बहुत गुड वे से, लाइफ एक बार मिली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सर मैं पार्टी करूँ, सर एक ही बार तो ज़िंदगी मिली है। नो नो नो, आपको आपका इन्जॉयमेंट आपके कर्म पे, आपका इन्जॉयमेंट आपको गोल अचीव करने का जो प्रोसेस है उसमें अगर आप इन्जॉयमेंट ढूंढना चालू कर दिए, ऐसे एस्पिरेंट में जब आप एस्पिरेंट होते हो, तो अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करने में भी इन्जॉय करते हो, तो ये गुड प्रोसेस हो जाएगा। इससे बिग इन्जॉयमेंट क्या हो सकता है? एक क्रिकेटर जब क्रिकेट खेलता है तो वो इन्जॉयमेंट फील करता है, और प्रैक्टिस को भी इन्जॉयमेंट करता है, क्योंकि अगर वो सोचेगा कि सिर्फ मज़ा तभी है जब मैं इंटरनेशनल मैच खेलूंगा, तो वो तो कभी कभी होता है, डेली थोड़ी होता है।
उसको अपने प्रैक्टिस को भी इंजॉय करना होता है, उसकी जो रूटीन लाइफ है प्रैक्टिस की उसको भी इंजॉय करना होता है, तभी उसकी जिंदगी के मैक्सिमम दिन इंजॉयमेंट होंगे। अपने कर्म को इंजॉय करना पड़ता है। आप अगर एस्पिरेंट हो तो क्वेश्चन को इंजॉय करो, क्वेश्चन का बनना ना बनना, कभी फ्रस्ट्रेट होना कभी इरिटेट होना, ये सब प्रोसेस है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे को लगा कि आप अपनी लाइफ को किस तरीके से ले जा रहे हो, ये तो मैटर करता है। मेरे को पता है कि मैक्सिमम समय हम इरिटेट है, फ्रस्ट्रेटेड है, जॉब की भाग दौड़ में लगे, और सही बात भी है, क्योंकि ऐसे मिडिल क्लास फैमिली, हमको एक अच्छी गुड जॉब चाहिए, हम जिंदगी में आए हैं तो हमें गुड लाइफ जीना डिजर्व करते हैं, और गुड लाइफ हम जीना चाहते हम और हम जिएंगे, इसको कोई रोक नहीं सकता। तो ठीक है, वो समझ आता है कि इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन और पेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन किसके साथ नहीं है? क्वेश्चन ये है कि किसके साथ नहीं है? क्या लगता है आपको कि सिर्फ आपके साथ है? जो आप अचीव करना चाहते हैं कई लोगों के पास 10 गुना ज्यादा है, उसके बाद वो जो अचीव करना चाहते हैं वो अचीव ना करने के कारण आपसे 10 गुना ज्यादा वो पेन में और ज्यादा 10 गुना फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आपसे 10 गुना ज्यादा है, लेकिन उनके पास जो है वो उनके लिए मैटर नहीं करता। उनको जो अचीव करना है वो अचीव करने के लिए पागल है वो, भले चाहे हो सकता है कि आप अपने अचीवमेंट जो उनका 10 गुना कम होगा उस अचीवमेंट के लिए भी आप पागल ना हो। यही दुनिया है, वैरायटी ऑफ लोग है, वैरायटी ऑफ थॉट है, सब अपने एंटरटेनमेंट को अलग अलग तरीके से ट्रीट करते, सब अपने गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है उसको अलग अलग ट्रीट करते, लोग जिंदगी जीने के तरीके को अलग अलग सोचते, लोग एक सेलिब्रिटी को देख के सोचते कि ऐसे जिंदगी जीना चाहिए, लेकिन कभी उस प्रोसेस को नहीं देखते कि उस प्रोसेस का क्या पार्ट होता है। लोग सब एंड रिजल्ट पे बहुत बिलीव करते, तो आप अगर सिर्फ एंड रिजल्ट पे ही आप सोचते हो कि इंजॉयमेंट और हैप्पीनेस है, तो मेरे को लगता है कि गलत है। आप अपने थॉट को इम्प्रूव करो, अच्छा फील होगा, क्योंकि एंड रिजल्ट तक हमारे हम जो गोल डिसाइड करते हैं वहाँ तक पहुँचना इतना आसान भी नहीं होता है। कई बार हम उस रास्ते तक पहुँच नहीं पाते, रास्ता चेंज करना पड़ता है, और अगर आप रास्तों में अगर हैप्पी नहीं हो और रास्ता चेंज करने के बाद फिर से दूसरा गोल आएगा, रास्ते को भी इंजॉय करना सीखो, लाइफ एक गिफ्ट है, ठीक, उस प्रोसेस को इंजॉय करो। चलो ठीक है, मैं ऐसे गुड मॉर्निंग इंडिया में बात करते रहूँगा, आप कमेंट्स करते रहिए, आप अपने पॉइंट्स बताते रहिए, आपको कैसा वीडियो लगता है वो बताते रहिए, अच्छा लगता है तो शेयर करते रहिए, अपने ओपिनियन भी देते रहिए, मैं आपके टॉपिक भी लेते रहूँगा, तो जितना हो सकता है हम बात करते रहेंगे, जब जब मेरे को टाइम मिलेगा मैं आप लोगों से बात करते रहूँगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।